दोस्तों बैंक साथी पोर्टल के जरिए आप अकाउंट ओपनिंग करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहां पे हमारे डिस्प्ले में देख सकते हैं, बैंक साथी पोर्टल को मैंने ओपन करके रखा है एंड यहां पे बैंक अकाउंट ओपनिंग करके आप 600 रुपया तक का अर्निंग कर सकते हैं। यहां पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको बहुत सारे बैंकों का यहां पे लिस्ट आ जाता है। जैसे कि अगर आप कोटक बैंक का अकाउंट ओपनिंग कराते हैं तो आपको 200 रुपया कमीशन मिल जाएगा, अर्निंग कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक सेविंग अकाउंट करते हैं तो आपको 200 रुपया कमीशन तक मिल सकता है। एफआई मनी में अगर आप अकाउंट ओपनिंग कराते हैं तो आपको 225 रुपया अर्निंग हो सकता है। न्यूयॉर्क सेविंग अकाउंट करते हैं तो 150 रुपया कमीशन मिल सकता है। एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट करने पे आपको 450 यानी कि 475 रुपया अर्निंग कर सकते हैं एंड और भी बहुत सारे यहाँ पे बैंक आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आप डीमैट अकाउंट ओपनिंग करके 600 रुपया अर्निंग कर सकते हैं। आईटीआर एंड टैक्स अगर फिल करते हैं तो आपको 150 रुपया कमीशन मिल सकता है। क्रेडिट लाइन के ऊपर आप 1800 तक का कमाई कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहे तो किसी भी व्यक्ति का अकाउंट ओपनिंग करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं एक सीएसपी के तरह। दूसरे कहीं पे भी आपको इतना कमीशन देखने को नहीं मिलेगा जो आपको बैंक साथी के जरिए आप अकाउंट ओपनिंग करके अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि मान लेते हैं आप इंडसइंड बैंक का अकाउंट ओपनिंग करते हैं किसी भी व्यक्ति के दूसरे आप दोस्त का, यहाँ पे शेयर टू कस्टमर का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपने दोस्त या किसी को भी शेयर कर सकते हैं। अगर वही लिंक से अगर वो ओपन करके अकाउंट ओपनिंग कर लेते हैं तो आपको 200 रुपया तक का अर्निंग हो सकता है। दोस्तों बैंक साथी के ऊपर आप जितना भी अर्निंग करेंगे आप यहाँ पे बैलेंस में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे टोटल शो हो जाएगा कितना तक का अर्निंग हुआ है। पैसे को मूव टू बैंक कराने के लिए आप यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट को देख सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप अपना पेटीएम अकाउंट में भी ले सकते हैं या तो फिर आप दूसरा कोई भी बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप जितना भी पैसा मूव टू बैंक कराएंगे ट्रांसफर करेंगे उसका आपको 0.5% आपको जीएसटी चार्ज देना होता है। एंड दोस्तों अगर आप चाहे तो रिफर करके भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आप हमारे डिस्प्ले में देख सकते हैं यहाँ पे रिफरल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपका रिफरल कोड दिख जाएगा, ये कॉपी करके आप अपने दोस्त यार किसी को भी शेयर कर सकते हैं। वही रिफरल कोड से अगर वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, कंप्लीट प्रोसेस कर लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं, सबमिट करने के बाद ओपन करने के बाद अगर बैंक साथी के जरिए वो किसी का भी अकाउंट ओपनिंग करते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं, क्रेडिट टाइम के ऊपर काम करते हैं या तो फिर कुछ भी यहाँ पे काम करता है तो आपको उसका 10% कमीशन मिल जाता है। यानी कि दोस्तों उसके साथ साथ आप सीएसपी का जैसा अकाउंट ओपनिंग करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि अब तक कोई भी ऐसा पोर्टल नहीं आया जिससे आप अकाउंट ओपनिंग करके अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ये फास्ट एप्लीकेशन है जिससे आप अकाउंट ओपनिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप इंडसइंड बैंक को रिफर करते हैं और आपका दोस्त इंडसइंड बैंक को अकाउंट को ओपनिंग करते हैं तो आपके पास 200 रुपया कमीशन आ जाता है जो आपका 3 से लेकर 10 दिन के अंदर आ जाता है। आप जितने लोगों को शेयर करेंगे, जितना लोग आपके नीचे काम करेगा वो सारे को यहाँ पे देख सकते हैं। लीड के ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करने से आप पूरा डिटेल्स पे चेक कर सकते हैं। बैंक मित्रा में अब तक जो भी हाईएस्ट लेवल पे है आप वो देख सकते हैं। टॉप लीडर व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा टॉप लीडर आपको दिख जाएगा दिस मंथ या फिर लास्ट मंथ। तो दोस्तों देर किस बात का, जल्दी से जल्दी आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, हमारे रेफरल कोड को डाल के रजिस्ट्रेशन करके कंप्लीट करिए, प्रोसेस करिए। बैंक साथी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए बैंक साथी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना सबसे पहले मोबाइल नंबर डाल लेना होता है एंड यहाँ पे राइट क्लिक पे आपको क्लिक कर लेना होता है। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी डाल लेना होता है एंड यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल के केवाईसी कर सकते हैं, अदरवाइज डू इट लेटर पे कर सकते हैं, यानी कि बाद में आप अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको अपना नाम डालना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल लेना होता है और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना होता है एंड यहाँ पे सबसे ऊपर आपको अपना ईमेल आईडी डाल लेना होता है और नीचे रिफरल कोड के जगह पे आपको हमारा रिफरल कोड आपको डिस्प्ले में शो हो चुका है, आप ये वाला रिफरल कोड डाल सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको रिफरल कोड दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना हाउस स्ट्रीट जो भी है यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेना होता है और नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है एंड फाइनली आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, कांग्रेचुलेशन आ जाता है। यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना होता है, आपके सामने आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा एंड आपको अपना केवाईसी फिलिंग करने के लिए यहाँ पे सबसे ऊपर आपका लोगो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद पर्सनल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना मेल आईडी डालना है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे मेल और यहाँ पे सब कुछ फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स पे क्लिक करना होता है, अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे डालना होता है जिस बैंक में आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। यहाँ पे आप पेटीएम अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी बैंक अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना सेंट्रल बैंक सिलेक्ट किया, अकाउंट नंबर डालना है और आईएफएससी कोड डाल के मुझे सबमिट करना होता है। आपका यहाँ पे सबमिटेड कम्प्लीट हो जाता है एंड पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना डिटेल्स डालना होता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेल पर्सनल, आप कब से बिजनेस करते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वो डालने के बाद यहाँ पे जैसा है सब कुछ क्लियर करने के बाद सबमिट कर देना होता है एंड केवाईसी डिटेल्स में आप
आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे आधार केवाईसी आपको कर लेना होता है एंड पैन केवाईसी कर लेना होता है। तो यहाँ पे आपको पैन नंबर डाल लेना होता है और वेरीफाई कर लेना होता है। पैन कार्ड वेरीफाई हो जाता है और आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है, आधार नंबर डालना होता है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देना होता है। तो दोस्तों आप फाइनली इसी तरीके से बैंक साथी को आप एक्टिवेशन कर सकते हैं और आप अपना अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं एंड हमारे चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे भाई।